हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब और एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। सो आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के 1 अप्रैल के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन कराएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि हम जैसे आपको न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे देखिए, यहाँ पास आपको चैनल का नाम दिया है टेलीग्राम का, तो यहाँ पास आप जाइए और वहां आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने पहले के। देखो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन आया था। तो देखो, जिन्होंने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो उनके लिए आज एक क्वेश्चन फ्री था, क्योंकि कल की वीडियो में हम बताए थे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हुआ है, नेशनल पार्क कहाँ है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप देखिए, देख लीजिए कि कल का क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन था, आप जाके देख लीजिए। पीडीएफ भी पड़ी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पर देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये कहाँ था, कर्नाटका में दिया हुआ था। ठीक है, और भी जितने भी दिए, तो आपको अच्छे से चैनल को, आपको मतलब वीडियो को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको किसी न किसी शिफ्ट में आने के चांस है। तो रिजर्व से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बाकी रिजर्व को भी और देख के जा सकते हैं ताकि आपको कोई शिफ्ट में आ सकता है। तो जिन्होंने ये वीडियो कल देखी होगी तो उनका तो ये वाला नंबर फिक्स ही था। तो बांदीगढ़ कहाँ है, बांदीपुर ये था आपका कर्नाटक में था, कर्नाटक में। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आया था हल्दीघाटी के युद्ध से संबंधित एक क्वेश्चन आपका आया था। तो हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1956 में हुआ था, 1956 नहीं 1576 में हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, अकबर के बीच में हुआ था हल्दीघाटी का। और अकबर का जो नेतृत्व तो कर रहा था, इनकी सेना का जो नेतृत्व तो कर रहा था, ये कौन कर रहा था, मानसिंह प्रथम कर रहे थे। नेतृत्व तो जो कर रहा था वो कर रहा था मानसिंह कर रहे थे। ठीक है, और इसमें विजय किसको मिली थी, इसमें अकबर जीता था। ठीक है, 1576 में हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। कुछ और अगर आप युद्ध लिखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट युद्ध मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, जैसे कलिंग का युद्ध हो गया, कलिंग का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलिंग का युद्ध ये कब हुआ था, 261 BC में हुआ था। ये अगर बात करें तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, पहला युद्ध, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इनके सन लिख लीजिए कब कब हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। अगर दूसरे की बात करेंगे 1556 ईस्वी में हुआ था, और तीसरे युद्ध की बात करेंगे पानीपत का, ये 1761 में हुआ था। ये तीनों आप देख लीजिएगा। एक खानवा का युद्ध भी देख लीजिएगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध आपका हुआ था 1527 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद सेकेंड युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। देखिए, न्यूटन के नियम से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो न्यूटन के नियम से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो न्यूटन के गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने ही दिया था गति के नियम जो दिए थे। और न्यूटन को क्या कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स। इन्होंने तीन नियम दिए हैं, न्यूटन ने तीन नियम दिए। पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम जो था न्यूटन का, नियम कह रहा है, ये जड़त्व के बारे में बता रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये किसके बता रहा है, जड़त्व के बारे में बता रहा है। यानी कि न्यूटन का पहला नियम जो था वो क्या बता रहा है, बल की परिभाषा बताता है। इस पॉइंट को भी आप लीजिए, बल की परिभाषा बता रहा है न्यूटन का पहला। यही अगर न्यूटन का सेकेंड नियम की बात करेंगे, दूसरा नियम जो था, नियम जो था F=ma था, ये बल, देखिए पहला बल की परिभाषा बता रहा था, दूसरा क्या बता रहा, बल का मैग्नीट्यूड बता रहा। ये दूसरा नियम क्या बता रहा, बल का मैग्नीट्यूड बता रहा, मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, और थर्ड नियम क्या कह रहा है, न्यूटन के थर्ड का नियम क्या रहता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल बता रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया बल। जैसे आप कोई गन को रिकॉइल कर रहे हैं तो वो भी न्यूटन के थर्ड पे होगा, स्विमिंग आप कर रहे हैं तो वो भी न्यूटन के थर्ड नियम पर ही आधारित होगा। देखिए, सुमंत्रा नंदन पंत से, देखो कल तुलसीदास की रचनाएं आई थी, आज सुमंत्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं, तो इनकी कुछ रचनाएं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो आप रचनाएं को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गए वीणा, इनकी रचनाएं ठीक है, वीणा हो गई,
हो गई, पल्लव हो गए, गुंजन, गुंजन हो गई, युगांतर। युगांत जो है काफी ज्यादा पूछी जाती है, युगांत हो गई, युगपत हो गया, युगांतर, युगपत, युगपत हो गया, स्वर्ण किरण। इतनी आप इनकी रचनाओं को देख सकते हैं, स्वर्ण किरण। ठीक है, फिफ्थ नंबर की वर्ड देखो, छंदों से इस समय वर्डिक छंद से क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, मात्रिक छंद से अभी क्वेश्चन नहीं है, वर्डिक छंद से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब कुछ वर्डिक छंदों को आपके देख सकते हैं, जैसे समया, समया काफी इंपॉर्टेंट है। समया की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितने होंगे, 22 से लेके 26 वर्ण तक होते हैं, 22 से लेके 26 वर्ण तक होते हैं। घनाक्षरी, घनाक्षरी लिख लीजिए आप, घनाक्षरी में 31 से लेके 33 वर्ण हो जाएंगे, 31 से लेके आपको 33 वर्ण होते हैं। यही अगर हम बात करेंगे मालिनी, मालिनी जो था आपका, मालिनी जो होता है इसमें आपके 15 वर्ण होते हैं, मालिनी में 15 वर्ण, 15 वर्ण है। और अगर भुजंगी की बात करेंगे, भुजंगी तो इसमें कितने वर्ण होते हैं, इसमें 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को देख के जरूर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जंगल बुक, द जंगल बुक कहाँ लिखी गई है? तो ये पेंच, मध्य प्रदेश के जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में इसको लिखी गई है, और मोगली के बारे में, मोगली के बारे में। ठीक है, देखिए शॉर्ट की से क्वेश्चन आया, कंट्रोल प्लस F1, F2 कुछ भी पूछा है, अभी कंफर्म नहीं कौन कौन सा F की कीज है, तो इसमें पूछा गया है कंट्रोल प्लस F में, तो आप लिख सकते हैं। F1 अगर F1 था तो कंट्रोल प्लस F1 तो रिव्यू करने के लिए होता, रिव्यू द टेक्स्ट फॉर्मेट, जो टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है उसको रिव्यू करने के लिए होता है, फॉर्मेट करने के लिए। यही अगर हम बात करें शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2 का क्या क्या यूज होता है, कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था विटामिन डी से संबंधित क्वेश्चन था, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इससे कौन सा रोग, रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रोग होता है। विटामिन डी का यदि आपसे रासायनिक नाम पूछ रहा है तो ये होता है, रासायनिक नाम भी लिख लीजिए, रासायनिक नाम विटामिन डी का क्या होता है, टोकोफिराल होता है, टोकोफिराल होता है। ठीक है, परमार वंश, देखिए परमार वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि परमार वंश क्या था, यानी तो इसके संस्थापक भी पूछ सकता है या फिर कुछ और भी पूछा होगा। तो परमार वंश के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो ये आपको कौन थे, देखिए संस्थापक इसके, परमार वंश के संस्थापक ये थे कृष्णराज, कृष्णराज। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी ये अवंती बनाई थी, अवंती यानी कि उज्जैन। ठीक है, अवंती इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, और इनका जो शासन चला था कब चला था, 9वीं, क्योंकि इस समय पटवारी के एग्जाम में सन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 9वीं सदी में, ये 9वीं सदी में बना था, तो इस चीज को भी आप याद करके रख सकते हैं। देखिए खरगोन के मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कौन सा मंदिर है ये कंफर्म नहीं है, तो आप खरगोन के दो मंदिर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, एक देखिए गौरी सोमनाथ का मंदिर भी खरगोन में है, गौरी सोमनाथ मंदिर, ठीक है, गौरी सोमनाथ मंदिर है खरगोन में है। ठीक है, एक और मंदिर है खरगोन में, बल्ला लिख लीजिए, बल्लालेश्वर मंदिर, बल्लालेश्वर मंदिर। ठीक है, ये भी आपका खरगोन है, ये बना था 13वीं सदी में बना था। ठीक है, दो चार और इंपॉर्टेंट मंदिर देखिए, इस समय वो जो पुराने क्वेश्चन आते थे मंदिर से बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन तो आना बंद हो गए, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिनके बारे में लोगों की नजर नहीं जाती है। ठीक है, लोग सोचते हैं अरे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मकर ध्वज मंदिर कहाँ है, आप लिख सकते हैं, किसी ना किसी की आप शिफ्टों में आने का बिल्कुल चांस है। मकर ध्वज मंदिर, मकर ध्वज मंदिर जो है वो आपका ग्वालियर में है, ग्वालियर की डबरा तहसील में, ग्वालियर की डबरा तहसील में, आप इस पॉइंट को भी नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, गौरी सोमनाथ मंदिर आप देख ही लिए हैं। ठीक है, सात कुठारी मंदिर है, देखिए सात, इसको भी लिख लीजिए, सात कोठरी मंदिर, ये आपका कहाँ है, सात कोठरी मंदिर, ये आपका धार जिले में आ जाएगा। ठीक है, ये अगर विष्णु मंदिर की हम बात करेंगे, विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, तो विष्णु मंदिर आपका कहाँ है, ये कटनी में है,
कटनी। ठीक है, इतने मंदिर को आपको देख के जरूर जाना। होलकर कॉलेज का नाम किसने दिया था? अब ये जो है ऑप्शन होगा तभी पता चलेगा। तो होलकर कॉलेज बना कहाँ था, है कहाँ? तो ठीक है, तो होलकर कॉलेज जो था 1891 में बनाया, किन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी? तो इनको शिवाजी राव होलकर ने, शिवाजी राव होलकर ने इनकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, 1891 में। ये कॉलेज इस समय ऑटोनोमस है और ये कहाँ है, इंदौर में है। ये कॉलेज का इंदौर का भंवर कुआं एरिया है, जो आप वहीं रह रहे होंगे, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहीं रहे, तो वहां इंदौर में भंवर कुआं के पास में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन, कलिंग के युद्ध की पराजित होने की वजह क्या थी? तो कलिंग का युद्ध सबसे खतरनाक युद्ध था, किस किस के बीच में लड़ा था? देखिए 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध किसके, अशोक अशोक जो थे, ठीक है, और कलिंग के बीच में लग, वर्सेस कलिंग, ठीक है, और इसमें विजय कौन हुआ, अशोक विजय हुआ था। अब ये पूछा है वजह क्या है अभी इसका, देखिए ऑप्शन होगा तभी इसको क्लियर बता पाना संभव होगा कि क्या वजह थी। ठीक है, हालांकि जब ये सेकंड वाला था, ये जो कलिंग थे इनकी सेना जीत रही थी, लेकिन लास्ट में इनकी सेना ही खत्म हो गई इसलिए ये हार गए। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ ऑप्शन होगा तो पता चलता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है, इंदौर का है, और इसका नाम क्या है, इसका आप नाम लिख लीजिए, देवी देवी अहिल्या बाई, देवी अहिल्या बाई, देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा। ठीक है, देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा, ठीक है। और देखिए ये तो मध्य प्रदेश का, अगर भारत का पूछ ले कि भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा, देखिए भारत का व्यस्ततम हवाई अड्डा की अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा दिल्ली का, कौन सा है दिल्ली में, दिल्ली का हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, हवाई अड्डा ये हो गया भारत का, इंडिया मध्य प्रदेश का हो गया, इंदौर हो गया। अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में एमपी में इस समय कुल 5 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल 5 हवाई अड्डा है। ठीक है, देखिए एक तो इंदौर का हो गया, आप देखिए दूसरा देख लीजिए, पहला इंदौर का मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए राजा भोज, राजा भोज कहाँ है हवाई अड्डा, ये आपका हवाई अड्डा है भोपाल में, लिख लीजिए राजा राजा भोज हवाई अड्डा, हवाई अड्डा ये आपका कहाँ है, भोपाल में है, राजा भोज हवाई अड्डा आपका भोपाल में ही है। अगर तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरा नंबर का हो जाएगा आपका राजमाता विजया राजे सिंधिया, देखो राजमाता विजया राजे सिंधिया, विद्या विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा, और ये कहाँ है, ये आपका ग्वालियर में है। ठीक है, हवाई अड्डा पूरा लिख देते, हवाई अड्डा ये है आपका ग्वालियर में हो जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए, 2 है, 2 और बचते हैं, एक जबलपुर का है, एक खजुराहो का है, तो डुमरा यहाँ पर लिखिए, फोर्थ नंबर का डुमरा हवाई अड्डा, डुमरा एयरपोर्ट इसको बोलते हैं, एयरपोर्ट डुमरा एयरपोर्ट कहाँ है, जबलपुर में है, जबलपुर में है। और नेक्स्ट अगर 5वें नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका खजुराहो एयरपोर्ट हो जाएगा, खजुराहो एयरपोर्ट, ठीक है, तो एक खजुराहो में ही। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका बिंदुसार से संबंधित क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन तभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो बिंदुसार से संबंधित था, तो बिंदुसार के बारे में आप एक दो पॉइंट लिखना चाहते हैं कि किसका पुत्र था, यह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इनको कुछ और नामों से जाना जाता है, जैसे अमित्रघात जो है, अमित्रघात नाम से भी आप बिंदुसार को जानते हैं। ठीक है, अब बिंदुसार का जो पुत्र कौन था, इनके जो पुत्र थे अशोक थे, ठीक है, अशोक, इस बात को भी आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो ठीक है, अभी तक इतने क्वेश्चन मिले हैं, तो चलिए, थैंक यू।